आप सब, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। तो अभी हम तैयारी कर रहे थे गुजिया बनाने की, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। आप लोगों ने गुजिया बना ली है या बनाने वाले हैं या बना रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बनाएं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुजिया की रेसिपी। तो हम कैसे गुजिया बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए हमने कुछ सामान लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये सूखा नारियल, हमने बारीक वाली साइड से इसको कद्दूकस कर लिया है और इसको अभी ड्राई रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता। सबसे पहले हम ये जो नारियल है इसको हम रोस्ट करके साइड में रख लेंगे। उसके बाद तीनों ड्राई फ्रूट्स को एक साथ ड्राई रोस्ट करेंगे। घी वगैरह डाल के यहाँ पर हम इसको नहीं रोस्ट करने वाले हैं, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम नारियल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने पैन में डाल दिया और इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे इसको चलाते हुए। एक्चुअली क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से इनका जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा आता है, निकल के बहुत ही बढ़िया टेस्ट कुछ आता है। तो इसको हम फटाफट से रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हल्का हल्का हो गया है रोस्ट, और अपन इसको निकाल लेंगे एक साइड और सेम पैन में इनको भी हम डाल के रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए ड्राई रोस्ट होने लग गए हैं, ये कुछ देर में रोस्ट होकर के तैयार हो जाएंगे। और ये हो गए अच्छे से ड्राई रोस्ट, इनसे बढ़िया सी एक नटी फ्रेगनेंस आने लग गई है। और अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इनको हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब हम इनको मिक्सी जार में डालकर हल्का मोटा मोटा इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें, इसको दर दर पीस के तैयार करना है। तो चलिए आइए इसको पीस लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये ले लिया है हमने मैदा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना भी लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे मोयन। यहाँ पर हम मोयन में देसी घी यूज कर रहे हैं, तो लगभग 1/4 कप हमने यहाँ पर डाल दिया है। बाकी मैं आपको आइडिया बता दूंगी, आप जितना भी मैदा यूज करें उसके अकॉर्डिंग इसमें मोयन ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से घी और मैदे को अच्छे तरह से मिला लेंगे, ये प्रॉपर अच्छे से दोनों मिक्स होने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मोयन हमें कुछ इस तरह से रखना है, ये अच्छे से मिट्टी सी बन जाए। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर डो को हमें बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, एक नॉर्मल सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। तो चलिए आइए इसको मल के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो लगा करके हमने तैयार कर लिया है और इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा डो, जब तक हम गुजिया का मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो ये रहा मसाला, ये देख सकते हैं आप, हमने दरदरा थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है। और आज हम इस मसाले गुजिए में कुछ खास इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे गुजिए में 4 चांद लगने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए हम सबसे पहले मावा लेंगे। मावा याद रखना है कि जो मावा लेंगे वो हम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म या ठंडा नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। अभी हम मावा निकाल रहे हैं, मैंने इसको सुबह गर्म करके रख दिया था, अभी ये नॉर्मल हो चुका है अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे बूरा, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हमने इसमें बूरा डाल दिया है और साथ में हम ये जो है ड्राई फ्रूट्स वो भी ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये सबको हमने डाल दिया है। और जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालेंगे अभी इसमें,
यहाँ पर हमने इलायची पाउडर बनाकर तैयार किया हुआ है वो डालेंगे। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर ये देखिए दालचीनी का पाउडर, ये डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मतलब खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब हम इन सबको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जो मावा है वो अच्छे से। फ्रेंड्स ये रही चिरौंजी, चिरौंजी डालना भूल गए हैं हम। और अब इसमें डाल देंगे चिरौंजी और इसको भी अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और ये हमने पूरी बेलना शुरू कर दी है गुजिया की। इस तरह से पहले पेड़े बना लिए और अब ये देखिए मम्मी जी पूरी बेल रही हैं और इसके बाद इनको भरना शुरू करेंगे। आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रही है इसलिए ऐसे ही बैठी हुई हैं। तो चलिए फटाफट गुजिया बना के तैयार करेंगे। कर देंगे बंद लगाकर एक्स्ट्रा आटा को निकाल देंगे। फिर प्रेस करेंगे इस तरह। तेल हो चुका है गरम, हो गया ना अच्छे से। फ्रेंड्स ये देखिए टेस्टी टेस्टी गुजिया बन करके हो गई हैं तैयार। गुजिया बनाने के बाद बनाएंगे अब हम कुछ नमकीन में। तो नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है आटा, जो हम आटा यूज करते हैं घर में चपाती बनाने के लिए उसकी बनाएंगे। यहाँ पर हम मैदा नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस आटे में डाल दिया है सबसे पहले नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। और डालेंगे यहाँ पर हम कुछ सफ़ेद तिल, जो वाइट वाला तिल रहता है वो डालेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी क्रश करके अजवाइन। और अब इसमें डाल लेंगे हम मोयन के लिए घी या फिर रिफाइंड ऑयल, आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जिससे क्रिस्पी खस्ता नमकीन बन करके तैयार होगी। और ये आटे से बना रहे हैं तो काफ़ी हेल्दी भी होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर मैदा नहीं यूज किया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे चेक करेंगे कि मोयन हमें कितना रखना है। इस तरह से बढ़िया से हम इसको मल लेंगे। ये देखिए मुट्ठी बन रही है आटे की, यानी कि मोयन परफेक्ट है। इससे ज़्यादा मुझे मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, फिर हल्का हल्का पानी डालकर हम इसको डोब लगा कर तैयार कर लेंगे। ये नमकीन का डो लगा करके तैयार कर लिया है। नमकीन का जो डो लगाना है हमें उसको थोड़ा सा सख्त रखना है, बहुत ज़्यादा ढीला आटा नहीं लगाना है हमें डो का। थोड़ा सा सख्त रखेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आटा भी सेट हो गया है और मम्मी जी ने फटाफट बनाना शुरू भी कर दिया है। ये देखिए छोटे छोटे पेड़े बनाकर पूरी साइज के हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इनको बेल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अच्छा एक पूरी के ऊपर दूसरी पूरी रख देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल साइज की पूरियां बनाकर तैयार करेंगे। अभी हम सारी बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका डिज़ाइन। मम्मी जी जब तक पूरियां बना के कर रही हैं तैयार, हम बना लेते हैं एक मैदे का घोल। यहाँ पर हमने ले ली है 2 चम्मच मैदा और इसमें डालेंगे देसी घी। यहाँ पर घी ही यूज़ करना है, हमें इतना घी डालना है जिससे एक अच्छा सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये देखिए पेस्ट टाइप का बन करके तैयार हो गया है। इसमें हल्का सा और घी डालेंगे, बहुत ही हल्का सा बस। और इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए पूरी बिल चुकी है। इसके ऊपर ये लगाएंगे घोल जो हमने मैदे का बना करके तैयार किया है। अच्छी तरह से पूरी पूरी पे फैला लेंगे इसको। और अब इस पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, पूरी पूरी पे अच्छे से फैला देंगे। हल्की सी मैदा डस्ट करेंगे। इस प्रोसेस को करना कंपलसरी है क्योंकि इससे क्या होगा ना, नमकीन जो एकदम खस्ता बन करके तैयार होगी। और अपने दूसरी पूरी भी रख दी है और इसके ऊपर भी ये घोल लगाएंगे वापस से, सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए सेम प्रोसेस से हमने चार पूरियों की लेयर बना करके तैयार कर ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से इसको अच्छे से रोल करने के बाद हल्का सा इसको प्रेस करके इस तरह से जो साइड हैं हम इनको निकाल देंगे साइड में, और इस तरह से पीस काट लेंगे। अच्छा ये इस तरह से देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन बनाना है। ये पीस लेंगे जो हमने काट के तैयार किया है, हल्का सा प्रेस करेंगे ऊपर से और फिर साइड में इस तरह से बना देंगे इसको। ये जो परफेक्ट डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है, इसी तरह से हम बाकी के भी डिज़ाइन बना लेंगे। और हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से अलग पलट के फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद दिखाते हैं हम आपको कितनी क्रिस्पी और खस्ता है ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्रिस्पी करारी नमकीन बनकर के हो गई है तैयार। ये बहुत ही करारी और क्रिस्पी है। आटे की हेल्दी नमकीन आप बना करके तैयार कर सकते हैं। और हम भी ये नमकीन गुजिया बनाते बनाते हो चुकी है शाम, और शाम के बज चुके हैं 6 और अब हमने बनाई है चाय। तो ये देख चाय भी गर्मा गर्म बन के रेडी हो गई है और हम लेके जा रहे हैं अंदर, नमकीन के साथ चाय एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, नमकीन की रेसिपी या गुजिया में कुछ नया पता लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग में।